नमस्कार, मैं हूं संजय गौड़। देखिए आज की खास खबरें। आज हम आपको दिखा रहे हैं नीमच जिला चिकित्सालय के ठीक सामने संचालित होने वाले पाटीदार मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने की हकीकत। वैसे तो मेडिकल स्टोर संचालन के लिए डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा में से कोई डिग्री होना आवश्यक है, तभी मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस लिया जा सकता है और अपने ग्राहकों को सिर्फ लाइसेंस धारी ही दवाइयां बेच सकता है। अगर उनका सहायक अकेला ही पूरा मेडिकल स्टोर संचालन करे तो न सिर्फ सवाल ही खड़े होते हैं बल्कि इंसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ती नजर आती है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति खुद लाइसेंस धारी नहीं है और न ही इसको मेडिकल स्टोर चलाने की पात्रता, तो फिर इस वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कैसे दवाइयां बेच सकता है। हमने इस बारे में औषधि एवं खाद्य निरीक्षक सारिका अग्रवाल से दूरभाष पर रतलाम चर्चा की तो उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। औषधि एवं खाद्य निरीक्षक रतलाम, कब कब नीमच आती हैं और कब कब मेडिकल स्टोर की जांच होती हैं? ये प्रश्न भी विचारणीय है, परंतु इंसानी जिंदगी से होता इस तरह का खिलवाड़ आपको और हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। वैसे यह भी चर्चा है कि नीमच में बहुत कम ही मेडिकल स्टोर संचालक है जिनके स्वयं के नाम लाइसेंस है और वही दुकानों पर दवाइयां बेच रहे हैं। नहीं तो इस वीडियो में दिखाई देने वाला दृश्य कई मेडिकल स्टोरों पर भी नजर आता है। ऐसे ही नौ सीखिए आपको नीमच में मेडिकल स्टोर चलाते नजर आएंगे। नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट।